नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे कि आखिर ये G23 के जो नेता हैं, ये आखिर गांधी परिवार के खिलाफ क्यों ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ऐसे बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आज गांधी परिवार के साथ साथ उनके जितने भी नेता हैं वो आज नाराज हो रहे हैं और उनका पलटवार कर रहे हैं। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है समर्थन करते नजर आते हैं, तो फिर कपिल सिब्बल जो है इसके नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हैं। तो पहले आइए समझते हैं कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, उसके बाद इसका पलटवार करते हुए कौन क्या कह रहा है। कपिल सिब्बल ने ये कहा सबसे पहले कि आज कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है और इसकी बेहद ख़ास ज़रूरत है। इसी को लेकर पहले अशोक गहलोत ने कहा कि आज कपिल सिब्बल को कोई जानकारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है और इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसको लेकर अभी जो ताज़ा मामला सामने आया वो सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आज कपिल सिब्बल को खुद का खाते हैं, कांग्रेस का खाते हैं और उन्हीं पर जो है सवाल खड़े करते हैं, ये बहुत दुखद बात है। यानी कपिल सिब्बल का सिर्फ इतना बोलना, तमाम नेता उस पर लगातार हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करने से क्या कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाएगा, क्या कांग्रेस का रास्ता निकल जाएगा। आज सोनिया गांधी, आपको बता दें कि बड़ी खबर आई कि सोनिया गांधी पंजाब के 8 सांसदों से मुलाकात की। अब सवाल ये उठने लगे कि क्या इन्हीं 8 में से कोई एक कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा। बड़े सवाल है जिसका जवाब का इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 5 राज्यों के हारने के बाद कांग्रेस में पूरी तरह से खलबली मची हुई है और हार का ठीकरा किसी और नेताओं पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल रह ही जाएगा कि कांग्रेस आखिर कब तक बचती रहेगी और कांग्रेस में ये हालात कब तक रहेंगे। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी नई न्यूज़।